एस्टरिस्क गौरिहार में कांग्रेस की विशाल जनाक्रोश सभा, भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बड़े नेताओं के आने के बाद भी एक मंच पर नहीं दिखे सभी कांग्रेस चंदला विधानसभा के प्रत्याशी। गौरिहार स्थानीय सरवई तिगला में कांग्रेस की जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा में जिले से 3 कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी, विक्रम सिंह व नीरज दीक्षित विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। सभा के बाद कांग्रेस विधायकों सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। किसानों के दुख दर्द को नहीं समझती सरकार, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार है जो किसानों के दुख दर्द को नहीं समझती। आज किसान बिजली और आवारा पशुओं को लेकर बेहद परेशान है। किसान रत जगा कर अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, इसके बावजूद उसके खेत आवारा पशु चट कर जाते हैं। आज की सभा चेतावनी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन होगा। राजनगर विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता रेत और दलाली में लगे हुए हैं, जिन्हें आमजन की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने कहा कि हमारी कमलनाथ सरकार ने जो हितमूलक योजनाएं शुरू की थी उनको बंद करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, अनित्या सिंह, हरप्रसाद अनुरागी, देवीदयाल अहिरवार, राम स्वरूप तिवारी, इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। विधानसभा क्षेत्र की 12 सूत्रीय समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आवारा गौवंश की समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, गौरिहार व बारीगढ़ में नहर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो, विद्युत की अघोषित कटौती बंद हो, साथ ही क्षेत्र में फीड सेपरेशन कर विद्युतीकरण किया जाए, क्षेत्र के सभी अस्पतालों में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, सभी थानों में महिला बल की नियुक्ति की जाए, क्षेत्र के सभी विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरे जाए, गौरिहार में नवीन महाविद्यालय खोला जाए, चंदला महाविद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ हो, चंदला में बाईपास की स्वीकृति व कार्य प्रारंभ हो, सरवई व गौरिहार में बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाए, नीलगायों से फसलों को बचाने के पुख्ता इंतजाम हो। बड़े नेताओं के आने के बाद भी एक मंच पर नहीं दिखे सभी कांग्रेस चंदला के विधानसभा प्रत्याशी राजू प्रजापति, पुष्पेंद्र अहिरवार। आज गौरिहार में कांग्रेस के बैनर तले जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें छतरपुर जिले से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शिरकत की। गौरिहार में आयोजित जनाक्रोश सभा में सभा के मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, राजनगर विधायक विक्रम सिंह, नाती राजी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद सभी ने अपने अभिभाषण में अपनी बात रखी। कार्यक्रम में महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा गया। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट।